कभी नहीं सुधरने वाला ही। छोड़ दो खाना, इस संसार में कोई नहीं है तुम्हारा। स्वयं की सहायता स्वयं करना सीखो। अब सहायता करने आए हो? नहीं छोड़ो मैं। तुम कौन हंस रहे हो ना मुझ पर? हाँ तो क्यों नहीं हंसो, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अरे पहले मैं अकेले था, अब मेरे साथ 10 लोग हैं। कौन 10 लोग? अरे 10 लोग एक है ना, हमारे दाव एक ही 10 के बराबर है, कदाचित 9। दस नहीं, 10 सहस्त्र का होगा ना। 10 सहस्त्र बराबर हो आप। और मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, इसका अर्थ यह मत समझना कि मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूं। हाँ। यदि युद्ध की स्थिति बनी तो मैं तो युद्ध अवश्य करूंगा, ठीक है, और भागूंगा कदापि नहीं। वो तो तुम मेरे भाई हो, इसीलिए प्रेमवश तुम्हारी सहायता कर रहा हूं और कुछ नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दाव। लीलाधर का एक तुम्हें यहां नृत्य करने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए बुलाया गया है। तलवार दो इन्हें। शिशुपाल, किंतु ये सब तो नृत्यांगनाएं हैं, इन्हें तलवार देने से क्या फायदा? योद्धाओं के युद्ध तो हर कोई देखता है पिताश्री। एक साधारण व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कैसे युद्ध करता है, कैसे अपने भीतर के पापी को जगाता है और अंत कर देता है एक दूसरे का। मैं तो केवल ये देखना चाहता हूं। तलवार दो इन्हें। लड़ो, मृत्यु तक लड़ना होगा तुम्हें। क्षमा करें महाराज, मगध सम्राट की ओर से आपके लिए संदेश आया है। प्राण बच गए तुम दोनों के, चलो अब जाओ यहां से। छेदी नरेश, शिशुपाल को मगध सम्राट का आशीष। तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने मुझसे लड़ने का साहस किया है। मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए बुला रहा हूँ, और ये छोटे से उपहार स्वरूप मैंने तुम्हारा विवाह राजकुमारी रुक्मणी के साथ करवाने का निर्णय लिया है। शीघ्र यहाँ पहुँचो और रुक्मणी के साथ विवाह करो। कृष्ण से युद्ध, राजकुमारी रुक्मणी से विवाह, तो बिन मांगे दोनों हाथों में लड्डू मिल गए शिशुपाल। रुक्मणी के रूप की चर्चा तो सारे भारतवर्ष में है। जरासंध मूर्ख वृद्ध है, परंतु काम मेरे हित का कर रहा है। ये रुक्मणी से विवाह करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा, बट रानी बनाऊंगा उसे। और ये कृष्ण ही तो है जो मुझे मार सकता है। सबके साथ मिलकर उसका भी अंत कर ही दूंगा मैं। शिशुपाल, तुम्हें कृष्ण के सम्मुख भी नहीं जाना चाहिए, उसके सम्मुख जाने से तुम्हें बचना चाहिए। मूर्खता मत करो। मूर्ख मैं नहीं, वो कृष्ण है जिसने जरासंध के क्रोध को ललकारा है। मूर्ख है वो ग्वाला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी, माया भी है, लिया है। मूर्खता मत करो शिशुपाल, नारायण के वरदान के अनुसार तुम्हें कृष्ण के प्रति केवल 100 अपराध करने तक की ही क्षमा है। तुम कृष्ण के विरुद्ध अपशब्द बोलकर तुम उसके विरुद्ध अपराध कर रहे हो। अभी तो कुछ ही अपशब्द बोले हैं, बहुत शेष है पिताश्री। और वैसे भी ये कृष्ण अब शीघ्र ही मरने वाला है। उस मूर्ख वृद्ध जरासंध से कह दो कि मैं आ रहा हूं रुक्मणी से विवाह करने।
और उस कृष्ण का अंत करने। कान्हा, यहां काम छोड़कर अब तुम क्या गिनती कर रहे हो? देख रहा हूं व्यक्ति को कितना भी बड़ा वरदान क्यों ना मिल जाए, यदि उसकी नीयत ठीक नहीं तो नियति को बदलने में समय नहीं लगता। शिशुपाल ने स्वयं ही अपना अंत आरंभ कर दिया। किंतु मेरा प्रश्न यह है कान्हा कि शिशुपाल की मृत्यु से हमारा क्या लेना देना है? उसकी मृत्यु से ही तो युद्ध आरंभ होगा था, महायुद्ध आरंभ होगा, ऐसा युद्ध जिसमें समस्त भारत सम्मिलित होगा, ऐसा युद्ध जो धर्म स्थापना का स्वर्णिम क्षण लाएगा। ये मूर्ख शिशुपाल अभी तक आया क्यों नहीं? शिशुपाल की सेना और रथ तो आ चुके हैं, किंतु शिशुपाल कहाँ है? सम्राट की जय हो। छेदी नरेश शिशुपाल सबसे पहले राजकुमारी रुक्मणी को देखने गए हैं। उन्होंने कहा कि वो आप सबसे बाद में मिलेंगे। मूर्ख गई का उसका कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा। सभी दास दासियों मंत्रीगण चले जाओ यहां से। यदि मेरा वह चलता तो सबसे पहले मैं उसके प्राण ले लेता। शिशुपाल, शिशुपाल! रुक्मिणी, तुम्हें देखकर तो आनंद ही आ गया। सच, तुम इतनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। ये भाव विभोर कर देने वाले नेत्र तो देखो, नक्श देखो, यौवन तो देखो। तुमसे विवाह करने में तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे किसी भी मूल्य पर नहीं होने दूंगा शिशुपाल। अपनी ढलती आई हो तो देखो इस अवस्था में भला तुम कर ही क्या सकते हो, बताओ। चल बताना क्या करेगा। अमर हूं मैं, पता है ना? ये तुम नहीं, तुम्हारा झूठा अहंकार है। और ये तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है कि वो अमर है। जीवन के बाद मृत्यु ही तो एकमात्र सत्य है, और प्रत्येक जीवित व्यक्ति को मरना ही पड़ता है शिशुपाल। शिशुपाल, तुम्हारे मुख से अपना नाम सुन के आनंद ही आ गया। सच्ची एक बार फिर से कहूंगा, शिशुपाल, एक बार। चलो मैं ही कह देता हूं, शिशुपाल। उत्तम भाई, तुम तो बड़ी बिगड़ी हुई और तुरंत क्रोधित हो जाने वाली लड़की हो रुक्मिणी। तुम्हें नियंत्रित करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। अच्छा चलता हूं।
कृष्ण का वध करने जाना है।